हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट्स, जो कि मैं बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से अपने चेहरे पे अप्लाई करें और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाएं जिससे हमारी स्किन में एक वाइटनिंग इफ़ेक्ट दिखे। और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मुहासे की, पिम्पल्स की, आज मैं इसी के लिए ये पैक बनाया है जो कि पिम्पल्स और मुहासों को दूर करेगा हमारी स्किन से। काफ़ी लोग बोलते हैं, यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो भरी पड़ी हैं जिसमें लिखा है कि रातों रात आप गोरे हो जाओगे रातों, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। आपको कम से कम 1 वीक लगेगा अगर आपके पिम्पल्स भी हैं तो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस पैक को लगाते से ही एकदम से गायब हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको रातों रात ये गायब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टाइम लगेगा और ये पिंपल्स भी, ये नहीं कि एक दिन में गायब हो जाएं, कम से कम 1 वीक तो लगेगा ही लगेगा। चलो फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि इसको हमें बनाना कैसे है और क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी जिससे हमारी स्किन में एक कूलिंग इफेक्ट आएगा और पिंपल्स, रेसेस, जो कि काफ़ी गर्मियों की प्रॉब्लम होती है, हम इसको भी दूर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर करना, और कमेंट में प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है और कमेंट करना भी बिल्कुल फ्री है, सारी चीज़ें फ्री हैं तो प्लीज़ कर दिया करना। चलो फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि आपको इसको किस तरह से बनाना है और किस तरह से लगाना है। फ्रेंड्स, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, इस चीज़ को आप लोग समझना अभी। चलो मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे और साथ साथ में उसके बेनिफिट्स भी आप सभी लोगों को बताती जाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने लिए यहाँ पे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी है। अगर आपके फेस थोड़ा बड़ा है या आप नेक पे लगाना चाहते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी में बहुत मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये एक्ने, स्कार और जो कि पिंपल्स होते हैं और जो झुर्रियाँ होती हैं ये उसको भी कम कर देता है। अगर आप 1 हफ्ते तक यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक लाइट कर देता है। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें लूँगी 1 नींबू लूँगी। नींबू में एंटीसेप्टिक होता है और इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे स्किन में जो रुआसे बोलते हैं हम, जो स्किन में काले काले चेहरे पे बाल हो जाते हैं ये उसको भी ब्राउन करने में मदद करता है। मैं इसमें 1 नींबू ऐड कर रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी का पैक फ्रेंड्स बहुत अच्छा। अगर आपकी ड्राई ऑयली स्किन है तो आप नींबू ऐड करिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप नींबू मत ऐड करिए। अब मैं इसमें गुलाब जल लूँगी, 1 चम्मच गुलाब जल, जो कि आपकी स्किन का जो कालापन होता है और जो पिंपल्स के निशान होते हैं उसको भी दूर करने में मददगार होता है। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिला लूँगी। अब इसका एक जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैंने अभी नहीं बताया, वो मैं अभी थोड़ा सस्पेंस रख रही हूँ। अब मैं इसमें मिलाऊँगी एलोवेरा जेल, क्योंकि ये एलोवेरा जेल में काफ़ी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हमारे स्किन को काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट देता है और काफ़ी ठंडा रखता है। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून लिया है। अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये अच्छे से इसका लेप बन जाए, हम स्किन में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो मैंने इसमें गुलाब जल ऐड किया है। अच्छे से सारी चीज़ें मिला लेंगे इसको। फ्रेंड्स, इस लेप को लगाने से आपकी जो स्किन है एक टाइटनेस आती है और जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है काफ़ी हद तक ये कम हो जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगी कि इसको किस तरह से हमें अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। अभी हमारा पैक तैयार हो गया, मैं इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करूंगी। मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था अपना चेहरा। फ्रेंड्स, इसको थोड़ी आपके जहाँ जहाँ पिंपल है वहाँ थोड़ी सी जलन होगी वहाँ पे, क्योंकि इसमें नींबू है इसलिए आपको थोड़ा सा जलन लग सकती है, पर ज़्यादा उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फ्रेंड्स, अपने अंडर आई एरिया को छोड़ना है हमें, स्किप करना है। स्किप इसलिए करना है क्योंकि इसमें नींबू है, क्योंकि जो आँखों के नीचे की स्किन होती है काफ़ी पतली होती है, सेंसिटिव होती है, तो हमें इसको अवॉइड करना है। हम इस पैक को लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ये ऑयली, ड्राई सभी स्किन के लिए है, बस इसमें अगर आपकी ड्राई स्किन है तो नींबू थोड़ा मत ऐड करिए, अगर आपको सूट होता है तो आप इसमें कर सकते हैं। हमने इसमें गुलाब जल भी ऐड करा है जो कि हमारी स्किन में काफ़ी ठंडक प्रदान करता है, और एलोवेरा, दोनों चीज़ें सेम है कि सेम ही हमारे स्किन में इफ़ेक्ट करती हैं, ठंडक प्रदान करती हैं हमारी स्किन के लिए।
फ्रेंड्स अब मैंने ये पैक लगा लिया, अब हम इसको 10 मिनट तक रखेंगे, 10 से 15 मिनट तक हमें रखना है अपने चेहरे पे, बिल्कुल भी पैक को ड्राई नहीं होने देंगे। अब फ्रेंड्स मैं इसको धो के आती हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना एक ग्लो आ जाता है इससे। सिर्फ 10 मिनट लगाया अभी, कम से कम अगर आप भी 1 वीक तक अगर लगाते हैं तो अलग ही आपके चेहरे पे एक चमक आ जाएगी। हाँ, जिसकी काफ़ी डार्क है, जो बचपन से ही जिसकी कॉम्प्लेशन काफ़ी डार्क है, तो उसके चेहरे पे अलग ही एक चमक आ जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गोरा हो जाएगा, पर हाँ अलग ही एक थोड़ा सा एक सेट लाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको ट्राई करिए और फिर कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू।